हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि अगर कभी भी आप लोगों के साथ ऐसी कुछ चीज़ होते हैं आपके गोप्रो या आपके कैमरे से रिलेटेड, सो आप लोग भी बीवेयर रहे। एंड हुआ ऐसा है कि इससे पहले वाला व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी उस समय क्या हुआ था, जब मैंने वो चीज़ें देखी थी तो उस समय SD कार्ड ही सिर्फ करप्ट हुआ था। बट नाउ मैंने कल ही रात को चेक किया, मेरा न्यू SD कार्ड रिप्लेस करके आ गया था कंपनी से। तो उसमें मैंने देखा तो उसमें आप क्या हो रहा है, GoPro का जो आगे वाला फ्रंट कैमरा है, फ्रंट स्क्रीन है, उसमें क्या हो रहा है, लाइनिंग आ रही है। अभी मैंने चेक किया था, वो बिल्कुल ब्लैक हो गया, ठीक है। बाकी बैक स्क्रीन तो उसकी काम कर ही रही है, और उसका जो SD कार्ड वाला स्लॉट है वो भी काम नहीं कर रहा है। सो अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं जस्ट रेडी हो गया, मैं जा रही हूँ MKP चौक के पास स्टरलाइट टेक्निकल सर्विसेज के नाम से, जो कि कैमरे वगैरह रिपेयर करते हैं। तो पहले मैंने वारंटी जो सर्विस कंप्लेन जहाँ पे लिखवाते हैं उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि कैमरे वगैरह की कोई कंप्लेन नहीं होती है, आपको डायरेक्टली विजिट करना पड़ता है जहाँ पर भी सर्विस सेंटर है। तो अभी मैं वहाँ पर जा रही हूँ और मुझे अभी रिशु भाई वहीं पर मिलने वाला है। तो अभी मतलब हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो कैमरा है वो पूरा अंडर वारंटी के अंदर ही रिपेयर हो, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग एक भी रुपीज़ पे करें, क्योंकि वो लोग जब भी हम कैमरा लेते तो वो बोलते हैं कि इंटरनल डैमेज कुछ भी हो तो हम लोग उसका चार्जेस नहीं लेते। तो अभी जो मेरा कैमरा है उसमें सारा इंटरनल डैमेज है, एक्सटर्नल डैमेज कुछ भी नहीं है। सो अभी देखते हैं। वैसे मूड तो कल रात से बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल हो रखा है, क्योंकि आज मुझे व्लॉग बनाने जाना था, आप लोगों को मुझे आज एक व्लॉग देना था, बट क्या हो गया है, कैमरा ही नहीं काम कर रहा है। और अभी पूरा कैमरा अभी 4 महीने हुए हैं ले हुए को। तो अभी देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए आप लोग भी, कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो हाँ आप लोग भी डरना मत। मैं भी डरी भी तो हूँ, बट अब मतलब वो होता है ना, एक चीज़ जब ख़राब हो जाती है तो भगवान खुद ही रास्ता दिखाता है, तो मैं उसी रास्ते में चल रही हूँ। तो अभी वहाँ पर जाते हैं, देखते कितना टाइम लगता है। आई होप कि फटाफट वो लोग रिपेयर कर दें जो भी है। अब देखते हैं जो भी होता है। चलो विल सी यू देयर, और मिलते हो दादी, बाय। सो गाइज, अभी हमने वहाँ पे GoPro दे दिया है। GoPro की कहानी तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, फिलहाल हम आए हैं अयाना के लिए कपड़े लेने। वो रहा रिशो जा रहा है, वो बोल रहा है मैं अपनी सकल मैर इन फ्रंट ऑफ V-Mart। तो अभी हम जा रहे हैं अयाना के लिए कपड़े ले रहे हैं, एंड देन विल वंस अगेन हाय इन माय वीडियो। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। जब हम लोग GoPro के लिए रिपेयर सेंटर में गए थे, तो सबसे पहली बात जो हमको जो कंपनी वाले थे उन्होंने बताया था कि उसका सर्विस सेंटर इधर है, बट सर्विस सेंटर इधर नहीं है। GoPro का सर्विस सेंटर देहरादून में है ही नहीं, पूरे मे बी पूरे इंडिया में दिल्ली में ही है। और दिल्ली में ही है जहाँ पे वो रिपेयर होके आता है, अगर रिपेयर करवाना हो तो। बट जब मेरी बात हुई, मुझे फिर उन्होंने दूसरा नंबर दिया जहाँ से मैंने GoPro परचेज़ किया था, तो उन्होंने बताया कि जो GoPro है वो आपका अब रिपेयर नहीं होगा। तो मैंने बोला उनको फिर होगा क्या, क्योंकि मैंने अभी ये और इन वारंटी प्रोडक्ट है, जो भी इंटरनल डैमेज आया वो इन वारंटी है सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि ये रिप्लेस होएगा, तो फिलहाल मैंने उसको पैक वैक कर दिया अभी एक दो दिन, मतलब मैंने सैटरडे को अपनी कंप्लेंट डाल दी थी। अभी देखते हैं कि वो लोग कब तक आते हैं रिटर्न लेने के लिए। तो मैंने अभी पैक वैक कर दिया है, और आप लोग भी, कभी भी आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप लोग भी अवेयर रहिएगा। ऐसा GoPro में मैंने फिर YouTube वीडियोस भी देखे थे, तो उन्होंने यही बोला था कि GoPro कभी भी रिपेयर होने के लिए नहीं होता, क्योंकि अगर इन वारंटी है तो आउट वारंटी वो रिपेयर हो जाएगा, बट वो भी यहाँ नहीं होएगा। अगर आप लोग देहरादून से हो तो आप लोगों को दिल्ली से करना पड़ेगा। फिर मुझे एक बारी को ऐसा लगा कि अरे यार, मैंने GoPro खरीद के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर यहाँ पर रिपेयर नहीं हो रहा और बाई चांस आउट वारंटी होता है तो मैं कितनी परेशान हो जाती, बट अभी इन वारंटी है तो वो अभी इधर ही आएंगे मेरे एड्रेस पे और यहीं से वो पिकअप करके जाएंगे। तो बस यही था। अभी वो अब जब GoPro आएगा, न्यू GoPro, तो मैं आपको उसका भी वीडियो दिखाऊंगी कि कब मैंने रिसीव किया, कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस को। वैसे उन्होंने बोला कि 3 हफ्ते का पूरा मैक्स टाइम लगता है GoPro को ले जाने और लाने में, क्योंकि दिल्ली से वो लोग आते हैं लेके कुरियर। सो या अगर आप लोग भी देहरादून से हो तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी मेरे तरह GoPro से। सो अब देखते हैं कब तक आता है, फिलहाल हम फ़ोन से काम चला रहे हैं जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ऐसे। तो
मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग भी सेफ रहिए अपने प्रोडक्ट्स के साथ, अपना अलर्ट रहिए क्योंकि मेरे तरह लापरवाही मत करना, लापरवाही भी क्या, बस हो गया जो होना था। तब तक के लिए स्टे सेफ, टिल देन टेक केयर, बाय।